साथियों नमस्कार यदि किसी बकरी को पागल कुत्ते ने काट लिया है या फिर किसी आवारे कुत्ते ने काट लिया या आपके घर के ही कुत्ते ने काट लिया है जो पागल नहीं उसने काट लिया है और एक जो पागल है उसने काट लिया है तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी बकरी मरे ना और हम उस बकरी को कैसे बचा सकते हैं हमें ऐसा उसमें क्या करना चाहिए पशु मालिक भी ये वीडियो देखें और डॉक्टर भी ये वीडियो देखें तो सबसे पहले आप चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथियों हमारे देश में और हमारे अलग अलग राज्यों में कई जगह पर गोड फार्मिंग चलता है कई जगह पर बड़े भारी मात्रा में पशुपालन और बकरी पालन होता है वहाँ पर क्या होता है अक्सर एक पागल कुत्ता आता है चार पांच बकरी वो काट लेता है बकरियाँ मर जाती है और वहाँ पर लोग सोचते हैं हम इनको ऐसा क्या वैक्सीनेशन करवाएं हम उनका दूध पिए कि नहीं पिए बहुत सारे कारण रहते हैं इन संपूर्ण की जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाली है तो आप कमेंट भी बहुत कम करते हैं आप वीडियो में जाके कमेंट भी जरूर करें साथियों जैसे यदि आपकी बकरी को कुत्ते ने काट लिया चाहे वो कुत्ता पागल हो या चाहे पागल ना हो तो हमें उसके बाद क्या करना चाहिए जैसे कुत्ते ने काटा बकरी को बकरी को यदि कुत्ते ने पकड़ लिया है तो वहाँ पर शोर है कि ब्लड थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ब्लड तो आएगा वो हो सकता है कि ज़्यादा बड़ा घाव भी हो सकता है ये भी कारण हो सकता है तो आप सबसे पहले क्या करें वहाँ पर जैसे आपको पता चले कि हाँ इस कुत्ते ने काट लिया आप वहाँ पर जाए साबुन लेके जाए या बकरी का अगर आपको फार्म पर ही है तो आप वहाँ पर साबुन रखें और साबुन से उस घाव को वॉश करें अब साबुन कौन सा ले आप ऐसा नहीं पतंजलि का साबुन ले रहे हैं या आप साबुन ले रहे हैं बहुत तरह अच्छे अच्छे बॉडी क्लीनर साबुन ले रहे वह साबुन नहीं लेना आपको कौन सा साबुन लेना है या तो आप साबुन ले डेटोल या आप साबुन ले लाइबो इन दो साबुन में से कोई भी एक साबुन का प्रयोग करें इससे क्या होता है जो वायरस है वह कम फैलेगा और जो अलग जगह पर जो रिएक्शन है उसके फैलने के वह भी कम फैलेगा इन्फेक्शन रुकेगा क्योंकि ये डेटोल और हमारा लाइफ बॉय बहुत ही शानदार काम करता है यदि ब्लड आ रहा है ज्यादा मात्रा में ब्लड आ रहा है आपके पास कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप जो खाने का चूना आता है ये चूना थोड़ा सा ले और उस घाव पे रख दे पूरी तरीके से ब्लड आना बंद हो जाएगा और घाव भी जल्दी से जल्दी भर जाएगा अब यह तो हुई हमें वहाँ पर घाव बनने यदि आप घाओ बढ़ाएँ अगर कोई आप ओइट लगाना चाहते हैं आप हिमेक्स वगैरह क्रीम लगा सकते हैं बहुत सारे की कंपनियाँ बनाती है क्रीम यदि आप क्लोब एम भी लगा सकते एम जी क्लोब भी लगा सकते हैं बहुत सारे क्रीम आते है जो आप उस घाव पे लगा कर उस घाव को बकरी के घाव को ठीक कर सकते हैं अब बात आती है कि हम उस बकरी का दूध पिए ना पिए यदि पागल कुत्ता था पागल कुत्ते ने यदि बकरी को काटा था तो आप उसके बाद क्या करेंगे आप उस बकरी का तीस दिन तक आप दूध ना पिए केवल उसके बच्चों को दूध पिलाएं क्योंकि ये रेबीज हम ह्यूमन में भी हो सकता है यदि किसी गोड फार्म में किसी एक बकरी को रेबिज हो गया तो उसका दूध यदि हम पियेंगे तो उसके पशु मालिक को भी रेबिज हो सकता है डॉक्टर को भी रेबिज हो सकता है इसीलिए ध्यान रखें हमें उस बकरी का दूध कतई नहीं पीना है अट्ठाईस दिन तक जब तक उसके टीकों की समीकरणियाँ पूरी नहीं हो तब तक हमें उसका दूध बिल्कुल भी नहीं पीना है अब मान लीजिए जिस बकरी को यदि कुत्ता पागल नहीं था वो मामूली उसने यूँ ही काट लिया उसको भी टीके हाँ लगवाना है चाहे कुत्ता पागल हो चाहे कुत्ता पागल नहीं हो तो भी हमें उसको टीके लगवाने हैं जैसा नहीं कि ये कुत्ता तो पागल नहीं है अब हम इसको टिक बकरी को टीके नहीं लगवाएं आपको बकरी को टीके लगाना जरूरी है यदि आप बकरी को टीके नहीं लगाते तो आपकी बकरी यदि कुत्ता पागल नहीं है तो फिर भी उसके लक्षण रहते हैं फिर भी वो बकरी पागल हो सकती है रेबीज आप में भी हो सकता और आपकी डेथ हो सकती है तो डॉक्टर और पशु मालिक दोनों ध्यान रखें बकरी को चाहे पागल कुत्ते ने काटा हो चाहे या बात और कुछ लोग फिर कमेंट करके सर यहाँ पर सियार ने काटा हो तो कुत्ते ने काट लिया यदि सियार काटे तो हमें क्या करना हाँ सियारियार कुत्ता डो कोई भी डोक काटे या कोई भी सियार काट रहा है तो हमें यही ट्रीटमेंट करना है डेल्ट्रोल से वॉश करना है मैंने जो बताया यही प्रक्रिया करनी जिसके बाद हमें उसको टीका लगाना है जिस दिन काटा कुत्ता उसी दिन से लगाकर हमें अट्ठाईस दिन तक पांच टीके लगाने कैसे लगाने आज कुत्ते ने बकरी को काट लिया आज लगाना आज से हम जोड़ेंगे जीरो डे फिर तीसरे दिन फिर सातवें दिन मैं कहना आपको पीछे लगा देता हूँ जिन जिन में आपको दिन दिन में टीके लगवाने जीरो डे पर बकरी को काटा है जीरो से ये पांच टीके लगवाने है एक महीने के अंतराल पर ये जो तारीख बाद आप समझ सकते हैं जिस दिन लगाया उस दिन जीरो से शुरू किया है है ना आज काटा तो आज जीरो से स्टार्ट करते हैं हम तो जीरो से तीसरे दिन सातवें दिन ऐसे करके ट्वेंटी अट्ठाईस दिन के भीतर भीतर हम बकरी को पाँच टीके हमें लगवाना ज़रूरी है इसके बिना आपकी बकरी ठीक नहीं होगी उसकी भी डेथ हो सकती है और आपकी डेथ हो सकती है तो सत्य ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और अगले और वीडियो जानने के लिए हमारे दो वीडियो आपको जो दिखाई दे रहे इनमें से किसी एक वीडियो पर क्लिक करके आप अपने अनुभव को और बढ़ाइए तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत